सत्कारयोग इस पवित्र धरती ते बैठे किसान भरावो भैनों प्यारे बच्चों नौजवानों सब तो पहला फतेह अर्ज करदा हां। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुसी दो महीने तो वध समय तो इस धरती ते तपस्या कर रहे हो। इस तो पहला तुसी पंजाब विच हरियाणे विच रेलवे लाइना ते बैठे और इस अंदोलन नू पखाया। अज ये अंदोलन सारी दुनिया दा केंद्र बनिया होया। सारी दुनिया इस अंदोलन वल देख रही है। इस अंदोलन की महत्ता इस गल तो सारे नू समझ पैनी चाहीदी है। 26 जनवरी वास्ते इंग्लैंड दे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नू मोदी सरकार ने मुख मेहमान वजो सद्या सी। उत्थों दे 100 मैंबर पार्लीमेंट उन्होंने मिलके अपने प्रधानमंत्री नू कहा भई तुसी उत्थे ना जायो क्योंकि मोदी सरकार किसानां नू परेशान कर रही है, उन्हां दे विरुद्ध फैसले लै रही है, किसानी नू बर्बाद करन ते तुरी हुई है। इसलिए उन्हां दे कहण उत्ते इंग्लैंड दे प्रधानमंत्री ने साडी सरकार नू सिद्धा सिद्धा कहा ये भावें दसन ना दसन साडे कोल चिट्ठी आई 100 MP दे दस्तखत होए होए। उन्होंने कहा भई क्योंकि तुसी अपने किसानां दे विरुद्ध फैसले लै रहे हो, उन्हां दे अंदोलन नू कुचलन दीआं गल्लां कर रहे हो, इस करके मेरे देश दे लोक इह जे तुहाडे वर्तारे नू पसंद नहीं करदे, मैं 26 जनवरी नू मुख मेहमान वजो नहीं आवांगा। फिर एक छोटे जे देश दे मुखी नू अपील कीती, छोटे जे देश दे एक टापू दे उन्हें भी इनकार किया। इहदा मतलब यह है भी सारी दुनिया तुहाडे अंदोलन तो प्रभावित है और सारी दुनिया ने घोखिया है। दुनिया के बहुत सारे देश जिथे तुहाडे मुद्दों की चर्चा हुई है, जिथे किते भी भारती कोई भी किसी देश विच बैठा है वो तुहाडे लई चिंतित है। कदे कनेडा दे वड्डे वड्डे शहरां च मुजाहरे हुंदे ने, अमरीका विच मुजाहरे हुंदे ने, इंग्लैंड च मुजाहरे हुंदे ने, जर्मनी च, फ्रांस च, इटली च मुजाहरे हुंदे ने, UNO अगे मुजाहरे हुंदे ने। इहदा मतलब है भई सारे तुहाडे भाईबंद हिंदुस्तान चों गए, तुहाडे रिश्तेदार दोस्त मित्र सारे तुहाडे लई चिंतित ने। तो अंदोलन तुहाडी मेहनत नाल, उन्हां दे सहयोग नाल, उन्हां दीआं शुभ इच्छावां नाल पीक ते पहुंच गया। पर यह सरकार एक कारपोरेट हाउसिस दी सरकार है। मैं कई बार जदों मीटिंगां हुंदीआं सरकार नाल उन्हां नूं साफ साफ कहा भई सरकार साडे संविधान च लिखिआ है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, पर तुसी तां इह सरकार बनाती ऑफ द कारपोरेट्स बाय द कारपोरेट्स फॉर द कारपोरेट्स, तुहानूं तां कारपोरेट ते बिना कुछ सुझदा ही नहीं, कुछ दिसदा ही नहीं। इस लई तुहाडे कोलों किसानां नूं इंसाफ दी आस नहीं रही। यही वजह है तुसी हैरान होवोगे सानूं मीडिया जिहड़ा उह दर्शाउंदा नहीं, दिखाउंदा नहीं। देश दे कुल 713 जिले ने, 700 जिलों विच अंदोलन पूरी सरगर्मी नाल चल रहा है। 700 जिलों विच किते DC-ਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
जिदे ते कॉरपोरेट का दबाव वध है वो टस तो मस नहीं हुई। और बदकिस्मती देश की ये कहो भाई मोदी की सरकार आ गई जिहड़ा सब कुछ देश की संपत्ति देश का सरमाया अंबानिया ते अडानिया नू बेची जा रहा है वह घटिया हथकंडिया ते आ गई। सानू आपो विच लड़ाउण वाले रस्ते तुर पई। जिहड़ा कुछ परसों इत्थे 26 जनवरी नू होया सारी दुनिया ने देखिया नंगा नाच वो सारा एक प्लैन सी मोदी सरकार का उस प्लैन के तहत होया। असी भी जेडे सानू रूट मिले सी उन्हां ते गए असी देखिया भी साढ़े जेडे वर्कर सी साढ़े किसान सी उन्हां नू पुलिस रोक के धक्के नाल दिल्ली के अंदर नू भेज रही सी। असी 2-3 घंटे बार्डरां दे उत्ते पुलिस वालिआं नाल बहस बूस कीती उन्होंने साड़ी ना सुनी असी अपने नू बचाउण वास्ते पिछे मोड़न लग पए। और आउंदिआं ही असी अंदोलन जिहड़ा 72 घंटे घट्टो घट चलना सी लखां ट्रैक्टर ने सड़क तां दी लंघना सी इन्हें दुनिया का नवा रिकॉर्ड स्थापित करना सी सारी दुनिया विच एक नवा सुनेहा जाना सी वह अंदोलन सानू शाम नू 4 बजे के करीब वापस लेना पिया भई असी ये ट्रैक्टर मार्च अज दे हालात नू मुख रख के वापस लेने ते सारे भाईचारे नू बेनती करदे भी आपो अपनी थां ते ट्रैक्टर लैके चले जाओ। ये होया इत्थे ही नहीं हुण भी हुण कोई नवा कार्ड खेलणगे। मैं तुहानू एक बेनती करा इत्थे इस मोर्चे ते शंघू इत्थे खास तौर ते पंजाब और हरियाणे दे किसान ने ज्यादा उधर टिकरी नाके ते भी असी ज्यादा थोड़े जे किसान महाराष्ट्र तो आके जयपुर वाली सड़क ते या राजस्थान वाले आए सी जिहड़ा गाजीपुर बॉर्डर है उत्थे यूपी तो और उत्तराखंड के किसान आए सी पलवल च मध्य प्रदेश के किसान आए सी इत्थे कुछ केरला के किसान भी आए सी और बहुत सारे स्टेटा तो आए थोड़े या बहुते आए उन्होंने इत्थे अपनी हाजिरी अड लवाई अपने अपने सूबे दे विच हाजिरी भरी। इस अंदोलन घर घर की आवाज बन गया पर मोदी सरकार नूं इह सोभदा नहीं। एक गल मैं होर साफ करा पिछले दिन ही मैं इत्थे भाषण दिंदे हां मैं उम्र च सब तो वड्डा मैं इस गल का पक्का धारनी हाँ क्योंकि हरियाणे विच जदों 1978 विच यूनियन खड़ी कीती तां मैं पिंड पिंड इत्थे काम कीता मास्टर केरी सिंह होया करदे सी बेचारे स्वर्गवास हो गए ते मांगे राम मलिक जी होया करदे सी रिसालदार बलबीर सिंह होया करदे सी कंजावला एजिटेशन तो बाद असी कई महीने ला के इत्थे यूनिट खड़ा कीता और हरियाणे च यूनियन बनाई। साडा भरा है हरियाणा भरा भरा किसे वेले कोई गल हो भी जांदी है मैं मेरी इत्थे मैं स्पीच कीती ओदी एक लाइन अगला और पिछला पोर्शन कट के बीजेपी दे जिहड़ा आईटी सैल है उन्हें हरियाणे च इन्नी कमाई भई साडा आपो विच ही पाड़ा पै जाए। मैं अज भी बड़ा स्पष्ट करना चाहना असी भरा जे भरा लड़ भी पैण ये फिर जफ्फी पा लेंदे ने तुसी बगाने हो तुसी साडा घर लुटन आ रहे हो असी कट्ठे होके तुहाडे नाल लड़ांगे असी 100 बारी लड़ीए असी फिर कट्ठे होवांगे। असी अपने बच्चों नूं कुछ कहने हो मेरे भी बच्चे ने जिन्हें हरियाणे वाले भैणां भाईआं दे बच्चे ने उन्हें मेरे भी बच्चे ने क्योंकि मैं वड्डा तुसी मैनूं एक वड्डी जिम्मेवारी दित्ती है तो मैं समझदा मेरा यह अधिकार भी है जे मैं किसे वेले कह भी दिता हरियाणे दे भरावां नूं गुस्सा नहीं करना चाहिए अज एक वड्डी लड़ाई च हां फिर भी जे किसे नूं दुख पहुंचिया मैं खेत प्रगट करदा मैं पिछले दिन कर भी दिता सी और लंबी वीडियो सी उन्नी लंबी नूं कोई देखण दा रवाज नहीं इस करके बहुतिआं ने उह देखी नहीं पर मैं फिर भी साफ करां असी कुछ भी गल दिलों ला के कदी नहीं कीती। हाँ ये ठीक है इत्थों ते जदों जिहड़ी उह घटना वापरी इत्थों बहुत सारे लोग गए ने जिहड़े 26 जनवरी लई आए सी उह ट्रैक्टर लै के वापस भी मुड़े ने हुण जदों मैं कल अपने भरावां नूं फेर सद्दा दिता अज हरियाणे चो हजारां ट्रालियां आ रही मूंह ते चपेट नहीं मोदी दे जिहड़ा साडे विच फुट पाउणी चाहुंदा सी
हजारां किसान हर रोज असी बैठे सी, सवेर दे एक मीटिंग च बैठे सी, उत्थे सुनेहे आ रहे सी फलानी जगह तो इन्नियां ट्रालियां, फलानी जगह तो इन्नियां ट्रालियां। चलो पंजाब चो भी आ रही, पर हरियाणा ने तो अज हद ही लाती, हजारां ट्रालियां आ रही। ए तुसी, मैं तुहाडा भरा हाँ, जे किते मेरे ते गुस्सा भी कीता है, मैनू पक्का यकीन है भी साडे गुस्से किते हुण खत्म हो जाणगे, पर जिहड़ा वड्डा दुश्मन है उहदे नाल लड़ाई जारी है, जिहड़ा साडियां जमीनां ते अख रखी बैठा है, जिहड़े साडे बच्चियां दे भविख ते अख रखी बैठा है, उहनू असीं सफल नहीं होण देणा। मैं इक बेनती तुहानू होर करनी है, मोदी दीआं चालां असी किसान सीधे हाँ समझ नहीं आउंदियां। एक कार्ड चल बैठा, सब तो घटिया हरकतों ने की भी साडे कौमी झंडे की उन्होंने बेइज्जती की। असी कल सद्भावना मार्च कढ़िया और असी कौमी झंडा लैके सारे जिहड़ा के एम पी है उत्थे तक गए और फैसला यह किया भी लीडर जाणगे, और मैं किसी नूं होर सद्दा नहीं सी दित्ता। जदों इत्थे वापस आए उदों तां इक बहुत वड्डा काफला बन गया सी। असी कहना चाहुंदे सी मोदी नूं भई किसान देश विरोधी नहीं हो सकता, इस देश की राखी किसान ने की है, चाहे फौज किसान का बेटा होवे, चाहे पुलिस च होवे, चाहे किसी पैरामिलिट्री फोर्स च होवे, किसान ने इस देश के लोगों का ढिड भी भरिया है, किसान ने इस देश की राखी भी की है। तुसी ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸਾਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘਾਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਵਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਥੁਰਾ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਰਾਤੀ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਦੋ MLA ਸੀ BJP ਦੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਉਹ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ, ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਕਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਈਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਭਰਾਵੋ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ UP ਦੇ ਨਹੀਂ,
ट्रालियां लेके हरियाणे के लोग भी उत्थे पहुंच गए, यूपी के भी पहुंच गए। जिहड़ा यह डर लग्या सी भी पता नहीं सरकार साडे भरावां नूं उत्थों उठा ना दे, उत्थे पहलां नालों भी वड्डा कट हो गया। तो यह साडी एकता का सबूत है, इदों वड्डा सबूत हो नहीं सकता। मेरी तुहानूं अपील है भी असीं इह सारे ने रल के अंदोलन जितना है। मैं पहले दिन तो इको फार्मूला तुहानूं दिन्ना और अज भी उहदे ते दृढ़ हां। उस फार्मूले ते जे तुसीं पक्के रहिंदे हो तां कोई दुनिया की ताकत तुहानूं हरा नहीं सकदी। फार्मूला यही है भी जे शांत रहोगे तुसीं जितोगे, हिंसक होगे मोदी जितेगा। इस गल का ख्याल रखना है। मोदी का कुछ नहीं बिगड़ना, उहदी जमीन दा ते नहीं लगी, तुहाडे बच्चों का भविख दा ते लगे है, तुहाडा परिवारों का फ्यूचर जिहड़ा है वह दा ते लगे है। यह मन च गल धार के भी सानू यह प्रवोक करना चाहते ने, सानू यह गुमराह करके किसी ना किसी तरीके ये दुनिया के सब तो वड्डे अंदोलन खंडा देना चाहते ने। और इत्थे दे इतिहास नू काले पन्नियां च लिखण लई मजबूर करना चाहते ने। तो मैं तुहानू सारे नू बेनती करदा, खास तौर पर अपने बच्चों नू, गर्म खून है, गर्म खून है, जिधरे कुछ हो गया असीं जोश चाह के भज लैंदे ने। ना ये तो उन्होंने हुण करना है, वह पता नहीं की करनगे। इस करके उन्हां दी अगली स्कीम पता नहीं की है। एक घनौनी हरकत उन्होंने कर ली, आपां सारे ने देखी। मैं तो समझदा उपरले की कोई मेहर रही भई वह सारी नंगी होगी। किन्नी देर च उन्होंने झंडा उत्थे अपना चलाया, उन्नी देर पुलिस की करती रही। उन्होंने खुली छुट्टी दी गई, उन्होंने पुलिस ने सैल्फियां लईयां, ते इहदा मतलब की है? पुलिस जिहड़े देश द्रोही का काम करते ने उन्हां नाल फोटो कराउंदी है, ते फिर बाद च ड्रामे लई उन्हां चों गोलियां मार के पंजां चों नूं फटड़ कर दिंदी है। ते इह कहिंदी है भी असीं देखो जी उन्हां नूं गोलियां चलाईयां, उहदे चों इक मर गया जी, फलान हो गया। तो यह गल्लां तुहानूं समझणियां पैणगियां। हुण उह दौर निकल गया, अज नवां दौर है, नवा दौर है। पता नहीं मोदी ने अमित शाह ने दे दी जोड़ी ने की करना है। पर इको एक तुहाडे चरणां च बेनती है भी अपने बच्चों नूं समझाओ, कोई हथियार लेके ना चलन, कोई गर्मी ना दिखाउण, पूर्ण शांतमई रहन। बच्चों ने जे अपने भविख की चिंता करनी है तां इस अंदोलन नूं शांतमई तरीके नाल सिरे चढ़ाउणा उन्हां दी ड्यूटी बनदी है। मैनूं इस गल दा फखर रहा है, हुण तक जदों कदे भी मैं अपने जवान बच्चों नूं कोई गल कही है उहदे ते अमल करदे ने, उहदे ते पहरा देना शुरू कर दिंदे ने, कदे सफाइयां करदे ने, कदे लंगर च सेवा करदे ने, ते कदे वॉलंटियर बन के सारे कुछ नूं कंट्रोल करदे ने। तो मेरी तुहानूं सारे नूं बेनती है, खास तौर ते बच्चों नूं, नौजवानों नूं, भई इक देखियो कौड़ा घुट भर लियो। जे कुछ हो भी जावे कौड़ा घुट भर लियो। मैं उस पीढ़ी च हां जिन्होंने हर अंदोलन च सिखिया। मैनूं याद है मेरे नाल मेरे साथी सन सर पछौरा सिंह सिद्धू पुरो, कहानी सुना के मैं अपनी गल समाप्त करांगा। एक अंदोलन सी चंडीगढ़, असी वड्डी रैली रखी ते पंजाब सरकार इन्नी घबराई रैली ते पाबंदी लाती, पंजाब च करफ्यू लाता, सारियां बसां बंद, बाजार बंद, सब कुछ बंद। ते सानू कहता तुहानूं रैली करन नहीं देनी, जे आओगे सारे नूं जेलां सुटांगे। उदों भी असीं रैली कैंसल ना कीती, असीं चंडीगढ़ जाणा सी। सर पछौरा सिंह अपने पिंड तों इक ट्राली भर के जत्था लै के आ रहे सी, जिहड़ी सरहंद तों चूनी विचीं चंडीगढ़ नूं सड़क जांदी है। उदों मक्कियां हुंदियां सी, हैलीकॉप्टर राहीं उह उदों लभदे फिरदे सी भी कितें मक्कियां भी जिन्हां किसान लंघ जाण। एक कमला SHO उन्हें इन्हां नूं घेर लिया, घेर के जिदा पुलिस वाले बोलदे आ दबके मारन लग गया। वो तुहानूं पता नहीं होए अज करफ्यू लगे है, तुहाडी रैली बैन हो गई, तुसीं किवें जा रहे हो? वो कहिंदा जी तुहाडी तुसीं करती, साडी जथेबंदी ने नहीं बैन कीती, साडी जथेबंदी तां उसे तरह रैली करूगी। वो कहिंदा पाओ इहनूं लंबा, SHO कहिंदा है पाओ इहनूं लंबा। वह कहिंदा काहनूं कष्ट करदा मैं पहिना, तू अपनी भुख दूर कर लै। सर पछौरा सिंह तकड़े सन, मैं समझदा
ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। SHO ਡਾਂਗ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਸਰ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਉਸ SHO ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਘਨਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ RSS ਦੇ, BJP ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੈਲੇਂਜ ਕੋਈ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਝਗੜਾ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਦੰਗਾ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਦੰਗਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਪੰਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ DC 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੁੱਦ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਔਰ ਵੱਧ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਮਿਜਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਬਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਓ ਭਈ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਓ ਮੋਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 33 ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਤੇ ਬਾਅਦ ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਕ ਲਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਓ ਦਿਓ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਾਇਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਨੈ ਮੈਂ ਪੈ ਨਾ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ।
मैं किसी नूं डराउंदा नहीं ना मैं किसी तो डरदा। और तुहानूं कहा शांत रहो सारे सारे जिहड़े सी सिख सी शांत रहे। एडिया वड्डियां कुरबानियां देण वाले कम्युनिटी अज उहदे ते जिम्मेवारी पै गई बई जदों एक मकार सरकार नाल बाह पै गया सारे कट्ठे होके शांतमई रह के उस मकार सरकार दा असीं मुकाबला करिए। साडे बच्चे नूं अपने इतिहास ते गौरव चाहिए जदों गौरव करदे हो तो यह ख्याल चाहिए भी जे इतिहास के अनुसार चलोगे तो तुहाडी आने वाले इतिहास में थोड़ा भी नाम लिखा जाएगा। शांतमई रह के ये अंदोलन जितना है मैनू पक्का यकीन है। जिस तरह हुण दोबारा वहीरां कत्तियां ने तुसी पंजाब चों हरियाणे चों यूपी चों उत्तराखंड चों राजस्थान चों दोबारा वहीरां कत्तियां आपो अपने नाके ते आउण लई तुहानूं कोई जे शांतमई रहोगे कोई हरा नहीं सकेगा। इहनां दी नवीं स्कीम सानूं नहीं पता की है। असीं खेत कुड़न वाले किसान इत्थे आए हां इसलई इह वेहले लोक जिहड़े देश नूं चलाउण दे नां ते इहो जिहियां स्कीमां कढ़दे रहिंदे ने इहनां नूं देश दूस नाल कोई प्यार नहीं। अज राजनीति सेवा नहीं व्यापार है। अपना व्यापार चलाउण वास्ते ये कुछ भी कर सकते ने। खास तौर पर गुजराती तो हुंदे ही बुनियादी तौर पर व्यापारी ने ये तो वड्डे व्यापारियों के गुरु ने तो सारे देश नूं लुट के खा के पैसा लेके भी भज गए। उन्होंने गुजरातियों मोदी कुछ नहीं कहता। हाँ तुसी आए हो इंसाफ लैन आए हो जां तुहाडा सारा कारोबार जिहड़े गुजराती कंपनियां ने उन्होंने देने की तैयारी बिढ़ी बैठा सी इहनूं नहीं सी पता भी किसान जे सिर चक लैण तो इन्हों नहीं हराया जा सकता। ये पुठा पंगा लै बैठा। हाँ सिर्फ तो सिर्फ इको बेनती है मैं तुहानूं यकीन नाल कहना वादा करदा तुहाडे नाल तुसी जितोगे 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 पर शांतमई रहो। मोदी दियां चालां नूं पछाणो आपसी प्यार दा सबूत देना है। आपसी फुट नहीं किते भी पैण देनी जो जो कुछ चाहुंदा है ओह उहनूं करन नहीं देना। शांतमई तरीके नाल अंदोलन चलाइए अंदोलन च जित तुहाडी होवेगी। मैं उम्मीद करदा तुहाडे ते विश्वास भी है तुसी इहनां गल्लां दा ध्यान करोगे और इस अंदोलन विच असीं सारे जित प्राप्त करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।